अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स के एसी 100 इंडेक्स अपडेट। के एसी 100 इंडेक्स ने 489 पॉइंट्स लूज किए हैं और इंडेक्स क्लोज हुआ है 47,563 के लेवल पे। मार्केट में अगर पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो मार्केट में पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुई, 124.66 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ जो कि कंपैरेटिव सेशन में 187.88 मिलियन वॉल्यूम का बिजनेस था। हमारे पांच दिनों की जो एवरेज है वो 177.16 मिलियन वॉल्यूम्स की है। तो मार्केट में जो वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं वो सिग्निफाई करते हैं कि एज ऑफ नाउ मार्केट जो है वो बाइंग इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर सकी। मार्केट ओपन हुई 48,045 के लेवल पे जबकि प्रीवियस क्लोज 48,053 का था। मार्केट एक नेगेटिव नोट पे ओपन हुई और सिंगल मूवमेंट के लिए भी पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं गई। नेगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट ने इंट्राडे लो देखा 509 पॉइंट्स का जो कि 47,544 का लेवल बनता है। स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर बात करें तो 22 स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई है, 72 की डिक्रीज हुई है और 6 की प्राइसेस अनचेंज रही है। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर तो सेक्टर वाइज हमने देखा कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स की तरफ से आए फॉलोड बाय लेदर सेक्टर एंड देन टेक्सटाइल स्पिनिंग। नेगेटिव साइड की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है सीमेंट सेक्टर में विद 102.39 नेगेटिव पॉइंट्स फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी सेक्टर विद 79.32 नेगेटिव पॉइंट्स एंड देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज विद 47.76 पॉइंट्स। तो लार्जली इंडेक्स ने जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पॉइंट्स लूज किए हैं और तकरीबन तमाम जो हमारे सेक्टर्स थे वहां से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने में मिली है। स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर बात करें तो पीएसएक्स ने 18.24 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे ऐड की हैं फॉलोड बाय एचपीएल एंड देन कैपको। और नेगेटिव साइड पे जो सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग हुई है वो टीआरजी की तरफ से हुई है -59.63 पॉइंट्स एंड देन लकी सीमेंट विद 54.47 नेगेटिव पॉइंट्स फॉलोड बाय हबको विद -31.40 पॉइंट्स। डेली चार्ट्स की अगर बात करें तो 50 का आरएसआई है, एमएसईडी की फ्लैट मूवमेंट अभी अवेलेबल है लेकिन इंडेक्स जो है वो क्रिटिकल जो लेवल है उससे ऊपर होल्ड करता हुआ नजर नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 47,815 की रेजिस्टेंस है, ये क्रिटिकल लेवल है, इससे ऊपर इंडेक्स का होल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलोंग विद द वॉल्यूम्स जनरेशन और उसके बाद 48,089 का लेवल बनता है। ये जो रीजन बन गया है ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग रीजन है इंडेक्स के बुल्स के लिए और जब तक इसे क्रॉस नहीं करता तब तक 48,584 के लेवल को टारगेट नहीं कर सकेगा। सपोर्ट साइड की अगर बात करें तो 47,462 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमारे पास अवेलेबल है। अगर इंडेक्स इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो हम देखेंगे कि 47,086 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। 47,086 से लेकर 46,966 का जो रीजन है इसमें इंडेक्स के पास जो है वो बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है। अगर इंडेक्स 46,966 से 47,086 का लेवल मेंटेन कर लेता है एटलीस्ट अगर हम देखते हैं कि मजीद प्रॉफिट टेकिंग आती है और इंडेक्स 47,462 को मेंटेन नहीं करता तो ये जो लेवल है 46,966 से लेकर 47,086 का इसमें पोटेंशियल अवेलेबल है कि ये इंडेक्स को सपोर्ट दे के वॉल्यूम्स जनरेट कर ले। तो एज ऑफ नाउ अगेन इंडेक्स जो है हम काफी टाइम से डिस्कस कर लें कि 47,000 से 48,000 की रेंज में जो है वो ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है और जब तक इधर साइड पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कोई क्लोजिंग नहीं आती तो इंडेक्स की जो डायरेक्शन है वो सेट नहीं होगी। इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें तो इंट्राडे लेवल में हमने देखा था कि जो थर्सडे का सेशन था उसमें इंडेक्स ने हाइपर मूव दिखाई, विदाउट वॉल्यूम्स जो है वो 800 के करीब पॉइंट्स गेन हो गए थे जिसकी वजह से एक्सट्रीमली ओवरबॉट की सिचुएशन इंट्राडे में हमारे पास जनरेट हो गई थी। उस सिचुएशन की वजह से हमने देखा कि इंडेक्स में एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आई और इंडेक्स जो है आपका 47,643 से नीचे क्लोज हुआ है जो एक अच्छा साइन नहीं है बुल्स के लिए। और अभी अगर इंडेक्स को अपसाइड पोटेंशियल देखना है तो यहां से सपोर्ट लेनी है इंडेक्स को 47,643 के लेवल से। जब तक इंडेक्स ऊपर ऑपरेट नहीं करेगा तब तक ये 47,905 और 48,158 के रेजिस्टेंस लेवल्स को टारगेट नहीं कर सकता। तो 47,643 का एक डिसाइसिव लेवल है, अगर इंडेक्स इससे नीचे ही रहता है तो फिर सपोर्ट लेवल 47,383 का और 47,127 का एक्सपोज हो जाएगा। तो अभी एक हमारे पास एमएसईडी का सेल सिग्नल है, 46 का आरएसआई है जिसका मतलब यह है कि 47,127 की तरफ इंट्राडे में अगर इंडेक्स आता है तो हमारे पास करीब करीब जो है वो ओवरसोल्ड की सिचुएशंस जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट होगी और वहां से कोई भी पुल बैक जो है अगर नहीं फ्रेश बाइंग ना आई तो एटलीस्ट जो है वो शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टैंस अगेन मेरा वही है कि इंडेक्स को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इधर 48,000 को क्रॉस करना है अपसाइड देखने के लिए और अगर नीचे जाना है तो फिर हमारे पास 47,000 का जो लेवल है उसे तोड़ना होगा और उससे एक बीरिश कैंडल ड्रॉ होनी जरूरी होगी ताकि कंफर्म हो जाए कि इंडेक्स जो है अपनी एक बड़ी सपोर्ट की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। वीक क्लोज हुआ है, वीकली अगर हम बेसिस की बात करें तो इंडेक्स ने वीक ओपन किया था 47,717 पे, 48,053 का हाई देखा, 47,034 का लो देखने के बाद क्लोज हुआ 47,563 पे, 122 पॉइंट्स का लॉस बनता है वीक ऑन वीक बेसिस पे जो 0.26% है। मार्केट में अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 885.81
मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ हमारा जो ये वीक था इसमें, और कंपैरेटिव वीक में 893.317 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ था। तो वॉल्यूम साइड पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स ऑल्दो डिक्रीज हुए हैं, कोई आपके पास तकरीबन 8 मिलियन वॉल्यूम्स कम हुए हैं इस वीक में, लेकिन एक फ्लैट मूवमेंट है जो डोजी ड्रॉ हुई है हमारे पास, वो सिग्निफाई करती है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। और हमारे पास जो वीकली सपोर्ट लेवल है वो 47,000 का अवेलेबल है। 47,000 एक बड़ा अच्छा वीकली सपोर्ट लेवल अवेलेबल है, और अगर इससे नीचे इंडेक्स आ जाता है वीकली बेसिस पे तो फिर 46,400 का लेवल और 46,086 का लेवल भी एक्सपोज हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ ऑन बोथ वीकली एंड डेली चार्ट्स अगर हम देखें तो 47,000 के करीब करीब इंडेक्स के पास जो है वो एक अच्छी सपोर्ट अवेलेबल है, और इसको तोड़ना इंडेक्स के बीयर्स के लिए भी एक चैलेंज होगा। लेकिन अगर इससे नीचे आ गया तो फिर 46,086 का लेवल और 46,400 का लेवल जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। वीकली रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 48,212 का रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर इंडेक्स इसे क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो फिर हम देखेंगे कि 48,900 का लेवल ये अपने लिए ओपन करेगा। बट स्टिल एज ऑफ नाउ 48,200 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल टू क्रॉस फॉर इंडेक्स बुल्स, और इंपॉर्टेंट ये होगा कि इंडेक्स में जो है वो वॉल्यूम्स मिसिंग है, वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाएं, और चाहे थोड़े पॉइंट्स के साथ इंडेक्स मूव करे लेकिन अगर वॉल्यूम्स जनरेशन होती है तो उसी सूरत में 48,200 क्रॉस हो सकता है। वीकली आरएसआई की बात करें तो 62 का आरएसआई है, कोई हमारे पास जो है वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड की सिचुएशंस अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीक बड़ा डिसाइसिव होगा इंडेक्स के लिए फॉर बोथ बुल्स एंड बियर्स, के इधर 47,000 टूट जाए या फिर 48,200 का लेवल क्रॉस हो जाए तभी जो है वो डायरेक्शन सेट होती हुई हमें नजर आएगी। दिस वुड बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, एंड इफ यू फील लाइक वी आर एडिंग एनी वैल्यू फॉर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, तो आई रिकमेंड कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में आपको मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।